ये क्या है? क्या है मतलब? टाई है। ये टाई है? क्या कर रही हो? कनाडा जाके टाई बांधना भी नहीं सीखा? मैं कनाडा टाई बांधने के लिए नहीं गया था, और कनाडा जाने के लिए ना वीजा की जरूरत होती है। टाई बांधना इज नॉट कंपलसरी। टाई में जब तक समोसा नहीं बनता ना, तब तक वो टाई नहीं बनती अच्छे से। क्या नहीं बनता? समोसा। ओके। वैसे तुम्हें टाई बांधना आता? स्कूल गई हो लगता है। स्कूल जाने के लिए एडमिशन चाहिए होता है, टाई बांधना जरूरी नहीं है। डिम्पी शैम्पी की टाई बांध के उन्हें स्कूल कौन भेजता है? मैं। गुलाबू जी? सत श्री अकाल गुलाबू जी। गिनी पुत्र, कुछ देर पहले ना एक बहुत बड़ा सिंगर है पंजाबी, उसका ना बंदा टाबे पे आया था। वो कह रहा था कि वो टाबे पे आकर लंच करेगा। पता है कई सालों पहले तेरे पापा जी दे वक्त भी आया सी। पुत्र, मैनू तो समझ नहीं आंदा कैसे उसका लंच तैयार करे। ये नहीं है, तू जा पढ़ाई कर। गुलाबू जी नो वरीज, पापा जी नहीं है पर उनकी रेपुटेशन तो हमें बरकरार रखनी है ना। नहीं गुलाबू जी, आप टेंशन ना लो, मैंने आपकी हेल्प कर देनी है। पापा जी जैसा ना बना सके तो क्या हुआ, साड़ी बेस्ट ट्राई करेंगे। जो एक बार सिंगर जी ने साड़ा खाना पसंद आ गया ना, तो साड़े टाबे दी फ्री फंड में पब्लिसिटी हो जानी है। आप छेती छेती शुरू करो, मैं होने आनी। अच्छा जी, आहो जी, और नहीं तो ऐसे कैसे कोई ऑप्शन नहीं है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस दिन जब मैं मीटिंग में था तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इन्वेस्टिंग पार्टनर बनने के लिए तैयार थे, अब क्या हुआ उनको? उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्वेरी सॉल्व करें, वो भी टाइमली। वो हमने नहीं किया, अब वो बैकआउट हो रहे हैं। अब जब दारजी आएंगे, उनको इसके बारे में पता चलेगा, फिर क्या होगा? उनके गुस्से का सामना कौन करेगा? मैं। I want this matter to be solved as soon as possible. अंबर जी, आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? अब फॉरेन इन्वेस्टर्स बैकआउट करने का डिसीजन किसी छोटी वजह से तो ले ही नहीं सकते। डेफिनेटली कोई बड़ा रीजन होगा। अब मुझे अपना बिजनेस कैसे करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना सुप्रीत, गलती से भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए इस फैमिली में कि ऑफिस में क्या चल रहा है। अंबर जी, आप आदि की हेल्प तो ले सकते हैं ना बिजनेस में। आई एम श्योर उसके पास कोई ऐसा आइडिया होगा जो इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर ले। और वैसे भी वाहेगुरु जी की मेहर नाल इन्ने सालों बाद बाप बेटे का रिश्ता इंप्रूव हो रहा है। तो आदि को इन्वॉल्व करने का मतलब है उसके सामने अपने सारे कच्चे चिट्ठे खोल देना। बहुत चीजें हैं जो उससे छिपी हुई हैं, उसको पता चलने नहीं दे सकता मैं। ऐसा कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं आदि को इस सबके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ही इज इनएक्सपीरियंस्ड, और इतना सीरियस मैटर सॉल्व करने के लिए ना कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए हमें। और वैसे भी आदि की लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, अभी वैसे ही बहुत परेशान है। मैं हूं ना, मैं सब सॉल्व कर लूंगा, डोंट वरी। आई एम श्योर। तेरा शुक्राना है वाहेगुरु जी मौका देने के लिए। बस छेती छेती सिंगर जी को खाना पसंद आ जाए तो गल बन जाएगी। गिनी रुक, कहाँ चली भी सवारी? सत श्री अकाल ताई जी, मैं वो ढाबे पे। ढाबे पे? चलो कोई नहीं, फिर जा रही है तो फिर जा,
जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। क्या हुआ ताई जी, आपको कुछ काम है? मुझे नहीं पता था ना कि तू कहीं जाने वाली है, तो मैंने अपनी किट्टी वाली फ्रेंड्स को बड़ी बड़ी डिंगे मार दी। कह दिया कि जी हमारे घर की जो नई बहू है ना, उसके हाथ का खाना खिलाऊंगी। अरे शहर में इतना स्वाद खाना कोई नहीं बनाता, तो उन लोगों ने भी मन बना लिया था। चलो कोई नहीं, नौकर के हाथ का ही खाना खिलवा दूंगी उन्हें। पर गिन्नी, तू ना अपनी तबीयत का भी ख्याल रखी है। खाने का क्या है, कुछ भी खिला दूंगी फ्रेंड्स को। नहीं नहीं ताई जी, मैं काम करती हूँ, मैं खाना बना दूंगी। बना देगी? हाय सच्ची? हाय कितनी प्यारी है ना तू। चलो भाई ठीक है, लेकिन ना अपनी तबीयत का ख्याल रखी, हौले हौले खाना बनाई। पर हाँ, कोई ना कमी ना रह जाए। अब तू सिंह परिवार की बहू है ना, सिंह परिवार की इज्जत का ख्याल रखना। फटाफट यहाँ खाना बना के टापे चली जाऊंगी। हेलो गुलाबू जी, अच्छा मेरी गल ध्यान नाल सुनो। अभी ना कुछ देर में ताई जी की किटी पार्टी शुरू होने वाली है, मैं उनके लिए स्नैक्स बनाने के बाद ही निकल सकूंगी। तब तक मैंने आपको जो कुछ बोला है ना, वो सब तैयार करके रखो, ठीक है? हाँ ठीक है। अब भाई गुरु जी, मैं दोनों जगह एक साथ कैसे पहुंच सकती हूँ, जबकि दोनों जगह के काम जरूरी है। अब आप ही कोई हेल्प कर दो प्लीज। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा बता क्या करना है, लेट्स डू इट। पता नहीं कब आएगी गिनी, कैसे संभालेगी सब कुछ। शैम्पी, गुप्ता जी के यहाँ से काजू और बादाम लेके आ, और सुन खाना मत, जल्दी कर। आओ जी, वेलकम जी। सारे कितने सोने लग रहे हैं। बड़ा सुंदर है जी। जी वो तो है। आओ जी बैठो, जी बैठो, मैं आप सबके लिए खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा लाती हूँ। गिन्नी आ गई, तेरे को मटर छीलने खाता, खाने के लिए नहीं। आदित्य जी, आप? गिन्नी नहीं आई। पुत्र जी, पुत्र जी बोलने की आदत डाल लीजिए आंटी। आप भी मुझे मम्मी जी बोलने की आदत डाल लीजिए पुत्र जी। आइए ना, अभी बहुत काम है, आप चलिए। चलो डिम्पी, ना तो ये मटर जल्दी से छील दो। गरम मसाले, छोटे पतीले, बड़े पतीले, जितने भी पतीले हैं मुझे सब चाहिए। सारी सब्जियां यहाँ होनी चाहिए, सारी सब्जियां इक्वली काटूंगा। इक्वली? अब मम्मी जी काजू बादाम इधर दो। थैंक यू। और वीर जी, मेरे लायक कोई और काम? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इधर आओ। अच्छा अच्छा, जाके पढ़ाई करो। पुत्र जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खाना बना रहा हूँ। खाना? आज आपके ढाबे में आदित्य राज सिंह स्पेशल खाना बनेगा। लेकिन गिन्नी नहीं आई। आज आपके यहाँ सेलिब्रिटी सिंगर आ रहा है, तो शेफ आदित्य राज सिंह नहीं आ सकता। मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन पुत्र जी, गिन्नी? आप गिन्नी को छोड़ो ना, उसे कुछ नहीं आता। वो ना सिर्फ स्टाइल मारती है और कुछ नहीं। डिम्पी जाके नैपकिन ले आ। आई।
वहां ना आपको आराम करना है। आदित्य जी, गिन्नी गिन्नी आज नहीं आ पाएगी, उसका बहुत बड़ा एग्जाम है। अब घर की नई बहू है, पहली बार गेस्ट आ रहे हैं, तो गिन्नी मैडम स्पेशल डिश बना रही, तो वो तो नहीं आ पाएगी। पर आप प्लीज अब थैंक यू मत कहना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, गिन्नी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ। पक्का जी। थैंक यू। गिनी, आई थिंक गेस्ट आ गए, मैं उन्हें अटेंड करके आती हूँ, तू ध्यान रखना गैस ऑन है। जी जी। जी गुलाबू जी, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। गिनी पुत्र, तू टेंशन ना ले, मैंने ना खाना बनाने के लिए रसोईया रख लिया है। रसोईया? शेफ? रसोईया को? अरे मैं तो आ ही रही थी ना, फिर रसोईया को क्यों बुला लिया? वो अब पता नहीं वो खाना बनाएगा कि पागल बनाएगा। अच्छा जी, एक काम करो, मैंने उसे गल कराओ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। पुत्र जी, मैं आपको नहीं संभाल सकती, आपको गिन्नी से बात करनी पड़ेगी। मैं हाँ जी, तो मैनू टाबे के आसपास की आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना? अच्छा जी, ध्यान से सुनो, आपको ना अपना दिमाग यूज नहीं करना है, बस हाथ यूज करना है, मैं जो बोलूंगी वही करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि सारा खाना ना देसी घी में बनेगा, समझे? ये क्या कर जा रहे हो, मुंह से बोलो ना, दिमाग चलाने के लिए मना किया है, मुंह से हाँ ना बोल सकते हो। हाँ जी मैडम, सुन रहा हूँ। देखो ऐसा है, वैसे तो ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, और बकवास करने की तो लोड भी नहीं है। मैं भी बकवास कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ना मजबूरी नहीं है, तो आपसे बात करने का शौक भी नहीं है मुझे। ए, मैं क्या बकवास कर रही हूँ? और मेरी तो सुननी पड़ेगी ना तुम्हें। हाँ जी, और वैसे भी ना काम के वक्त बात नहीं करते, ओके? हेलो, हाय रब्बा, इतना एटीट्यूड, मेरी कॉल काटती, इसकी तो मैं। बदतमीज रसोईये को फोन करना पड़ेगा। गिन्नी, फोन पे बातें करती रहेगी या फिर स्नैक्स भी बनाएगी, हैं? हाँ वो एक्चुअली बेटा गेस्ट सब वेट कर रहे हैं स्नैक्स का, और तुम इन्हें सर्व भी करो और मिल भी लो ना सबको आके। जी जी, बस मैं अभी आई। चलो वापस। शैजा जी, भाई आप बड़े लकी हो जो आपको गिन्नी जैसी बहू मिली है। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गिन्नी की तारीफ करूं या गिन्नी के बनाए खाने की। अब गिन्नी बेटा, यहाँ के बैठ, आओ। खाना इतना लाजवाब बना है कि टेस्ट करके ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5-स्टार होटल की रेसिपी से बनाया गया है। या तुम्हें कुकिंग का शौक है गिन्नी? आंटी जी, मेरी सारी ट्रेनिंग ना टाबे पर ही हुई है, पापा जी की डेथ के बाद टाबा मैं ही चलाती थी।
सच में भाई वाह, क्या स्वाद है गिनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी खाना खाने वाले को पसंद आ जाए तो बनाने वाले की मेहनत सफल हो जाती है। आपको खाना पसंद आया बस मेरे लिए वही है जी। भाई गिनी, भाई हम सारे तो तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हमारा शगुन देना तो बनता है भाई। आंटी जी, यहाँ तो सब काम हो गया है, मैं कुछ देर के लिए टापे पर चली जाऊँ, कुछ जरूरी काम है। श्योर, ये आप संभालेंगी? ओके। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वैसे शैलजा जी, एक बात समझ में नहीं आई, भाई ये किटी पार्टी तो नेक्स्ट वीक होने वाली थी, फिर आज कैसे? ओ भाई अच्छा जी है, हमें तो मजा बड़ा आया। वैसे बहू हो ना तो आपकी बहू के जैसी। जो एक बार सिंगर जी ने साडा खाना पसंद आ गया ना, तो साडे टाबे दी फ्री फंड में पब्लिसिटी हो जानी है। आप छेते छेते शुरू करो, मैं होने आनी। और जी असली बात तो ये है कि मजा आया है ना, इंपॉर्टेंट तो यही होता है किसी भी दिन आया हो। खाना बना के सबको खिला दिया, अब खुद भी खा लो, आ जाओ। गुलाबो जी, कहाँ है आपको वो रसोईया? है आज उसकी अच्छे से खबर लेनी है मैंने। कहाँ है? रसोईया कौन है इसे बताओ या नहीं? पुत्र जी ने मना किया था। किसका सामान है? गुलीन? अचानक से है? फोन भी नहीं किया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऑल गुड बेटा। अरे गुरलीन, तुम्हारे ससुराल वालों ने अकेले भेज दिया मायके से, और तुम थोड़ी सैड भी लग रही हो। आजकल की कुड़ियां ना अपने माँ बाप से सब छुपाती हैं। आंटी जी प्लीज, अब एम भी अपनी तरफ से स्टोरीज मत बनाओ। वो तो शुरू में मैं और मेरे हस्बैंड ही आ रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको कुछ काम पड़ गया तो मैं अकेली आ गई। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे तुम्हारे हस्बैंड को एंड मोमेंट पे काम आ गया तो घर में कोई और भी तो होगा। क्यों जी? ये रसोईया का खाना है ना? उसके एटीट्यूड का ये मिर्ची सही इलाज है। गुलाबू जी, कहाँ है वो? वो वो अरे वाह, किसी को अच्छा खाना खिलाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली भूख लगती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। आ गया ना, अभी बताती हूँ। अरे यार खाने दो, मेरी बीवी ने इतने प्यार से मिर्ची डाली है।